दिल्ली में पारा भले ही घट रहा है, लेकिन चुनावी दंगल में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 11 फरवरी को दिल्ली की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन आज बात प्रशांत किशोर की करेंगे। प्रशांत किशोर की इसलिए करेंगे क्योंकि वो भले ही जेडीयू नेता हो, लेकिन इन दिनों वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को दिल्ली में जीत दिलाने पर ही उनका फोकस है। जेडीयू नेता और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पिछले करीब एक महीने में ट्विटर हैंडल को देखें तो साफ पता चलता है कि PK1 के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, जिसके बाद लगता है अब उनको जेडीयू सबक सिखाना चाहती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू की पटना में आज अहम बैठक हो रही है और ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और रणनीतिकार PK और पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है और खास बात, इस बैठक में पार्टी के सभी नेता हिस्सा लेंगे सिवाय PK के। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि PK को पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, फिर अब वे बिहार विधानसभा चुनाव अभियान में भी हाशिए पर रखे जाते दिख रहे हैं, क्योंकि आज हो रही इस अहम बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव का अपना अभियान विधिवत आरंभ कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को अभी तक बैठक की जानकारी ही नहीं है और हैरानी की बात यह है कि ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति तय की थी। पार्टी की महत्वपूर्ण चुनावी बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी महागठबंधन ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल इस बैठक की बात करें तो जेडीयू के राजगीर प्रशिक्षण शिविर के बाद हो रही इस बैठक में पार्टी नेताओं को बताया जाएगा कि चुनाव के दौरान किन मसलों पर सक्रिय रहना है और किस मुद्दे पर सकारात्मक या आक्रामक अंदाज में प्रतिक्रिया देनी है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी संबोधन होगा। बता दें PK ने अमित शाह के हाल ही में EVM वाले बयान पर भी रिएक्शन दिया था। अमित शाह ने कहा था, इस बार वोटिंग मशीन पर कमल के निशान पर बटन दबाओ तो इतने गुस्से में दबाना कि बटन आपके क्षेत्र में दबे और करंट शाहीन बाग में लगे। जिसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा था, 8 फरवरी को दिल्ली में EVM का बटन तो प्यार से ही दबेगा, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द खतरे में ना पड़े। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद PK की तरफ से क्या उत्तर आता है और JDU इस पर क्या दलीलें देती है, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई JDU के बीच कुछ तो है जो सही नहीं है। PK बेशक अपनी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल के लिए खुलकर काम कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा बिहार चुनाव के बाद BJP JDU गठबंधन का साथ वो देते हैं या फिर अलग राह चुनते हैं।